भक्तों आप सभी का इस परम भक्ति में स्वागत। क्या आप जानते हैं भगवान शिव की बहन कौन थी और उनका कैसे जन्म हुआ? हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले हे भोलेनाथ, जो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमें फॉलो करेगा उसकी हर इच्छा पूरी हो, ऐसी कृपा करना। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया तो वह खुद को घर में अकेला महसूस करती थी। उनकी इच्छा थी कि काश उनकी भी एक ननद होती जिससे उनका मन लगा रहता, लेकिन भगवान शिव तो अजन्मे थे। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने देवी पार्वती के मन की बात जान ली। उन्होंने पार्वती से पूछा, कोई समस्या है देवी? तब पार्वती ने कहा कि काश उनकी भी कोई ननद होती। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, मैं तुम्हें एक ननद लाकर दे देता हूँ। भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि यह लो तुम्हारी ननद आ गई। इनका नाम असावरी देवी है। आपको इस तरह के आध्यात्मिक रहस्यों में रुचि है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और इस विषय में आपकी कोई राय है तो कमेंट में लिखकर हमें बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।